आगे बढ़ेंगे जहां हरियाणा कैबिनेट बैठक के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक होनी है, दोपहर 3 बजे तक ये कैबिनेट बैठक होगी। आगामी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हो सकती है, किसान आंदोलन समेत कई अहम मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। पहले ये बैठक 6 मार्च को आयोजित की गई थी। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने ये जानकारी दी है कि ये बैठक आज हो रही है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 3 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी, आगामी चुनाव की तैयारियों पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। इसी के साथ किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन समेत कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बैठक के दौरान मंथन किया जाएगा। पहले ये बैठक 6 मार्च को होनी थी, लेकिन बैठक कैंसिल कर दी गई 6 मार्च को, यानी कि आज 5 मार्च को ये बैठक होने जा रही है। बैठक काफी महत्वपूर्ण है, 3 बजे ये बैठक होगी जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी, तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। और इसी के साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि इस बैठक के दौरान उठाए जाएंगे, जिस पर चर्चा की जानी है, यानी कि एक बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 3 बजे समय रखा गया है इस बैठक का, जब ये बैठक शुरू हो जाएगी। आगामी चुनाव की तैयारियों पर इस दौरान चर्चा भी की जाएगी। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि किसान आंदोलन समेत कई मुद्दे हैं जिस पर मंथन किया जाएगा इस बैठक के दौरान। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कैबिनेट की बैठक होने वाली है, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस दौरान किसान आंदोलन पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। विभिन्न मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी के साथ किसानों ने 10 मार्च को रेल रोको आंदोलन का भी ऐलान कर दिया। इसी के साथ साथ इस मुद्दे को भी इस बैठक के दौरान उठाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता शिखा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिखा, आज ये कैबिनेट बैठक होनी है, काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, किसान आंदोलन के अलावा और कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि उठाए जाएंगे इस बैठक में? बड़ी बात ये है कि बहुत जल्द ही लोकसभा की 50 सीटें जो है वो लगने वाली है। तो उससे पहले जनता के हित में करने वाले हैं वो सारी योजनाएं जो है उन पे आज मोहर लग जाए और वो सारी सुधार जो है वो जनता को आगे भेजेंगे। देखा जाए तो अब बहुत कम समय लग गया चाहते लगने में, लगभग 11 के बाद हर भी उम्मीद कर रहे संहिता जो है वो लग जाएगी। तो इसलिए आज वो सारे बड़े मुद्दे वो आज बड़ी सारी सुधार जो अब रहती थी उन पर बातचीत की जाएगी, उन पर आज मोहर लगाई जाएगी। वही सबसे बड़ी बात है कि आगे की एक रणनीति है कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में काम जो है वो सरकार के द्वारा किया जाए। कई ना कई मंत्री को अभी आदेश भी दिए गए हैं कि वो चंडीगढ़ में ना रह के अपने गाँव में निकले, अपने इलाके में निकले, लोगों के बीच में जाए और कौन कौन समस्या जो है वो उनको आ रही है वो पता करें। सबसे बड़ी बात है टीम का नेगेटिव ऑर्डर रहा है कि वो हर एक बात अब हर एक तरह अगर कोई जनता को डिस्कंटिंग हो रही है जो मीडिया जनता के लिए चलाई जा रही है उसके बारे में क्या फीडबैक मिल रहा है वो भी सीएम को लाके दिया जाएगा। फिर इसलिए भी मीटिंग जो है वो की जाती है कि सरकार का किस तरह का फीडबैक जो है वो जनता से देखने को मिल रहा है। वो एक बात करें किसान आंदोलन की तो इस समय हरियाणा की जो जनता है खासकर वो बहुत परेशान हो रही थी कि उन लोगों को ट्रेवल करने में बहुत दिक्कतें आ रही है। कई मेरे किसान उसके सामने एक सरकार की नेगेटिव इमेज जो है वो कहीं ना कहीं बदले हुए जरूर दिख रही है। और इस समय सरकार जो है वो किसी भी तरह की नेगेटिव इमेज जो है वो नहीं चेक कर सकती, क्योंकि चुनाव जो है बहुत नजदीक है। तो उसके लिए भी रणनीति जो है वो जरूर बनाई जाएगी। 10 तारीख को जिस तरह से रेल जो को कहा गया है वो उम्मीद ये कर रहे हैं कि उससे पहले शायद एक बाकी जो है वो जरूर रखी जाए ताकि जनता को किसी तरह की डिफिकल्टीज जो है वो ना आए। जी शिखा, इस बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी जोर दिया जाएगा। अभी तक की तैयारियों की बात करें तो बीजेपी की तैयारियां कैसी नजर आ रही हैं और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तैयारियां कैसी देख पा रही हैं आप? पहले विपक्ष में कोई बड़ा नाम आता है तो वो है कांग्रेस का, पर अगर कांग्रेस से दौड़ दिखनी है तो मेन कारण ये है कि उनकी आपसी तकरार जो है वो हर कोई देख पा रहा है। इस समय कांग्रेस जो है वो दो ग्रुपों में बटी पड़ी है, एसएलपी ग्रुप और एक हुड्डा ग्रुप। जब अपने ही अंदर की अगर नीति जो है अपने अंदर का ही एक जो विश्वास नहीं बरकरार कर पा रही है तो वो जनता के बीच में कैसे विश्वास जो है वो बना पाएंगे। वही बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार टूटती जा रही है। जिस तरह से इनके दो बड़े चेहरे जो है छोड़ के एक कांग्रेस में शामिल है और एक बीजेपी में, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो भी कमजोर दिख रही है। और इसमें बीजेपी जो है वो लगातार जनता के हित में काम कर रही है, चाहे वो खेलों को लेकर हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो लोगों की बातें सुनना हो। सीएम जो है वो लगातार जनता के बीच में जाते थे, जिस तरह से खुद अपने फैंस सीएम जो है वो उनको बचाने का काम करते थे, लोगों के बीच जाते खुद उनकी समस्याएं सुनते थे। तो कहीं ना कहीं एक
पॉजिटिव साइड जो है, पॉजिटिव इमेज जो है, पॉजिटिव रिव्यू जो है वो देखने को मिल रहा है। और हमेशा से बीजेपी का ये कहना है कि हम जनता के बीच में जाने के लिए, कार्य करने के लिए 5 साल या चुनाव आने का वेट नहीं करते हैं। जैसे हम अपना एक चुनाव जीतते हैं, दूसरे चुनाव की तैयारी में जो है वो लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का ये कहना है कि हम 5 साल पहले ही अपने कार्य में लग गए थे। हाँ, बस ये है कि अब लोगों को हमारा काम इसलिए दिख रहा है जो कि चुनाव आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समय सरकार जो है वो जो पीएम द्वारा कहा गया है कि खासतौर से उसको करने में पूरा लगी हुई है। बिल्कुल शिखा, देखना होगा जब ये बैठक होगी तो कौन कौन से मुद्दे इस बैठक के दौरान उठाए जाएंगे और कौन कौन से मुद्दे होंगे जिस पर चर्चा की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।